चोरी और सीना जोरी यह कहावत सच साबित हुई है सिद्धार्थ नगर जिले के ज्ञानोदय स्कूल की, जहां स्कूल प्रबंधक ने दबंगई दिखाते हुए तालाब में गिरी बस को पुलिस के सामने खिंचवाकर अपने स्कूल प्रांगण में खड़ी करा ली। यही नहीं, उस पर लिखा स्कूल का नाम और उसकी मान्यता की कमियों को पेंट कराकर मिटाने की कोशिश की। यही नहीं, उस बस को काली पॉलीथीन से ढककर पूरी बस छुपाने की भी कवायद कर डाली। उसके इस काम में जिले का प्रशासनिक अमला भी साथ खड़ा दिखाई दिया। जब यह सब कुछ हो रहा था तो जिले के एआरटीओ तहसीलदार खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल प्रांगण में मौजूद थे। वहीं मीडिया के पहुंचने के बाद इन अधिकारियों ने पलटी मारते हुए स्कूल के कागजात देखने शुरू कर दिए, जिसमें यह बात सामने आई कि स्कूल की मान्यता ही नहीं थी। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी सीमा पांडे ने पहले अपने बयान में कहा कि उन्हें 15 दिन पहले स्कूल के जांच में यह पता चला कि स्कूल में 1 से 5 तक की पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि घटना में घायल अधिकतर बच्चे 1 से 5 तक के ही है। यह बच्चे स्कूल के बस में कैसे आए इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। 35 सीटर बस में 45 बच्चे कैसे सवार थे, इस सवाल पर एआरटीओ भी बगले झांकते नजर आए। जिले में हुई इस घटना ने प्रशासन और अनैतिक रूप से चल रहे स्कूल के बीच के संबंधों की कलई खोलकर रख दी है। बड़ा सवाल यह है कि आए दिन स्कूलों में हो रहे हादसों को लेकर योगी सरकार काफी सख्त फरमान जारी करती है, फिर भी प्रशासन इन फरमानों को लेकर संजीदा क्यों नहीं हो रहा। पेश है सिद्धार्थ नगर के संवाददाता मोहम्मद अफाकी खास रिपोर्ट। देखिए, उस विद्यालय की मान्यता का 6 से 8 तक की इस समय है और 28 जुलाई को मैंने उस विद्यालय का निरीक्षण किया था, वहाँ प्राथमिक कक्षाएं नहीं चलती पाई गई थी। या किन परिस्थितियों में हुआ है इसकी मैं जांच करके देख रही हूँ। तो फिर इतनी बड़ी घटना हो गई, जो बच्चे हैं वो कोई 2 का है, कोई 3 का है। देखिए, जब मैं गई थी तो विद्यालय उस समय वहाँ पे नहीं, 28 जुलाई की ही बात है, वहाँ विद्यालय प्राथमिक स्तर पर नहीं चल रहा था। अब वो बच्चे कहाँ के हैं ये तो जो विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य ही बता पाएंगे, उनसे मैं पूछती हूँ। अब पहले तो उनसे हम पूछते हैं वो बच्चे किस विद्यालय के थे, क्योंकि वो इंटर कॉलेज की बस में बच्चे थे तो बच्चे किस विद्यालय को ले जा रहे थे, पहले तो उनसे हम पता करते हैं। अभी उनका नंबर नहीं लग रहा है और बुला के बात करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई के लिए जिला विशेषज्ञ महोदय को अवगत कराते हैं लिखित रूप से। 11 का ये एक्सीडेंट सिद्धार्थ नगर हो गया है। ये ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, इस स्कूल का नाम है और ये कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। और बाकी जो एक्सीडेंट हुआ उसके कारणों का, किसकी लापरवाही है, विद्यालय प्रबंधक की है कि वाहन चालक की है, उसी कड़ाई जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही जांच है कि मतलब आपके सामने गाड़ी खड़ी है, पेंट हुई, इस गाड़ी को तो थाने होना चाहिए, यहाँ आई है गाड़ी। नहीं, ये वाहन की जांच कराई जाएगी, अगर कहीं पेंट हुआ है, कुछ मैनिपुलेट किया है तो गलत बात है ये। कुछ नहीं सर, मैं बेरोजगार आदमी हूँ और इस तरह कोई बात नहीं है, मैं स्कूल चलाता हूँ, कोई गलत काम भी नहीं करता हूँ और ड्राइवर का भी हाईवे लाइसेंस है, सारे कागज हमारे कंप्लीट है, विद्यालय की मान्यता भी है। इस तरह से हमको मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, आप लोग इतना फोर्स मेरे ऊपर न करिए। मान्यता आपकी 6 से 8 तक की आपकी मान्यता है, जो बच्चे इंजर्ड हैं जी वो आपके वो भी 6 से 8 तक के हैं सर। उनका हमारे पास, अगर देखिए कोई भी गार्जियन अगर ऐसा आरोप लगाता है तो आप लोग जो हमको सजा देंगे उसको जो है, आप ही लोग सर जो है सजा देंगे। जो भी बच्चे हैं भी ऐसा कुछ नहीं, अरे भाई सुनिए हमारी बतिया, कक्षा 1 के यू के ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या वो आपके विद्यालय के बच्चे नहीं थे? ऐसा कुछ नहीं है, सारे जो भी है जो भी जो एक्सीडेंट में बच्चे इंजर्ड है, क्या वो आपके विद्यालय के थे? हम मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, बच्चे चूंकि एक्सीडेंट हो गया है, हम मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब हैं और मैं जो है बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरा नुकसान हुआ है, मैं बेरोजगार आदमी किसी तरह खेत बेच के विद्यालय चला रहा था, अब मेरे साथ एक घटना हो गई है, तो आप लोग इसमें सहयोग करने के बजाय सर हमको हरासमेंट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है सर।